नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज हम रिव्यू करेंगे पार्ट 20 टेबलेट के बारे में। इसके क्या क्या यूजेज हैं, बेनिफिट्स हैं, प्रिकॉशन है, सबको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पार्ट 20 टेबलेट लिंकन फार्मा का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिसकी प्राइस होती है 64.90 रुपये पर स्ट्रिप। ये 12 टेबलेट की स्ट्रिप होती है, जिसका कंटेंट्स होता है पैरासिटामोल 300 mg, जो कि इमीडिएट रिलीज होता है, और इसमें सस्टेन रिलीज पैरासिटामोल होता है 700 mg। इस टेबलेट का यूज़ आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही करें। यह टेबलेट आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। पैरासिटामोल टेबलेट एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवा है। इस टेबलेट का यूज़ दर्द और बुखार से राहत पाने के लिए किया जाता है। यह टेबलेट सबसे ज़्यादा OTC यानी ओवर द काउंटर दवाएँ, यानी काउंटर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा है। अगर आपको सर दर्द हो रहा है, दांत दर्द हैं, बैक पेन की अगर आपको समस्या है, नसों में दर्द है, मसल्स पेन हो रहा है, सामान्य सर्दी जुकाम हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, माइग्रेन का दर्द हो रहा है, और आपको पोस्ट ऑपरेटिव पेन की समस्या है, तो इस टेबलेट का यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार है। साथ ही अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है, कान दर्द हैं, मेंस्ट्रुअल पेन है, बॉडी पेन हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हैं, और अगर आपको कोई भी टीका लगा है और उस टीका लगाने के बाद आपको कोई बुखार आ गए हैं, तब भी आपको ये टेबलेट डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं। ये एक बहुत ही असरदार टेबलेट है। डॉक्टर कभी कभी इसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और वायरल बुखार में भी दूसरी टेबलेट के साथ आपको लेने की एडवाइस दे सकते हैं। जब आपको सामान्य पैरासिटामोल जो कि 250 mg, 325 mg और 500 mg की टेबलेट थे, अगर ये काम नहीं कर रहे हैं, तब आपको ये पैरासिटामोल 1000 mg की टेबलेट आपको लेने के कहा जाता है। जान लेते हैं इसके सावधानियों के बारे में। तो अगर आपको कोई खून पतला करने वाली दवाई चल रही है, आपको लीवर डिसीज़ या किडनी डिजीज है, या फिर कोई भी गंभीर समस्या है, तब ऐसे में इसका यूज़ करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इसका यूज़ करें। डोज के बारे में जाने तो नॉर्मली इस टेबलेट को एक टेबलेट दिन में एक बार आपको भोजन के बाद में लेने कहा जाता है, पर डॉक्टर्स आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार या फिर वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसका डोज चेंज कर सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप इसका यूज़ डॉक्टर की सलाह से करें। अब बात कर लेते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट आपको नज़र आ सकते हैं वो हैं चक्कर आना, उल्टी होना, जी घबराना, गैस्ट्रिक या माउथ अल्सर की प्रॉब्लम होना, और आपको कब्ज की प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। हो सकता है इन सभी साइड इफेक्ट के अलावा भी आपको कोई दूसरे साइड इफेक्ट नजर आए। अगर कोई दूसरे साइड इफेक्ट आपको दिखते हैं, तब ऐसे में आप इसका यूज़ बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।